नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आल इमित्र सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राशन कार्ड शेडिंग के बारे में। दोस्तों राशन कार्ड शेडिंग की काफ़ी बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों अपडेट ये है कि राशन कार्ड शेडिंग करने की जो अंतिम तिथि है उसे बढ़ा दिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि अंतिम तिथि क्या है और यहाँ पर यह आदेश कहाँ से मिला। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वीडियो लास्ट तक। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करने के बाद दोस्तों से जरूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो ट्विटर हैंडल है उनकी तरफ से यहाँ पर यह ट्वीट किया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विभागीय समीक्षा कार्यक्रम बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए राशन कार्डों की आधार शीडिंग को 30 नवम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो अगली तिथि है वो 30 नवम्बर 2020 है, यानी कि यहाँ पर 5 दिवस का आपको अतिरिक्त समय और दिया गया है। तो पर शेडिंग करने की अंतिम तिथि है 30 नवंबर 2020। तो यहां पर आप 30 नवंबर तक शेडिंग का काम कर सकते हैं। खाद्य विभाग की जो बैठक हुई थी उसमें अब आधार शेडिंग 30 नवंबर तक आप पूर्ण कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक लीजिए वंदे मातरम।